नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं गणित के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र और इस सूत्र पर कुछ आधारित प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों मेरे पास यहां पर सूत्र लिखे हुए हैं। सूत्र क्या दिया है, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। इसी तरीके से कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है, ये मेरे पास इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस सूत्र पर आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों मेरे पास एक प्रश्न बनता है, टेन 2a बराबर कोट a माइनस 18 अंश, तो a का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न जो है इन्हीं सूत्र पर आधारित है, तो इस प्रश्न को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, वीडियो के लास्ट तक आपस बने रहें, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इससे संबंधित कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो के लास्ट तक आपको अवश्य बने रहना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, टेन 2a बराबर कोट a माइनस 18 अंश दिया है, तो पहले हमें जो सवाल में दिया है इसको हल करने के लिए हमें लिख लेना है टेन 2a बराबर कोट a माइनस 18 अंश। ये मैंने लिख लिया बच्चों, ध्यान से बिल्कुल समझना है। सवाल बहुत ही सिंपल है, आपको कंसेप्ट को समझना है, फार्मूले को समझना है। क्या है यहाँ, टेन 2a बराबर लिखा है कोट a माइनस 18 अंश। प्रश्न क्या है, टेन 2a बराबर कोट a माइनस 18 अंश। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमेशा याद रखना, अगर इस तरीके से कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए या कोई भी आपसे पूछे तो याद रखना, यहाँ क्या है लेफ्ट में 10 है, इधर राइट में क्या दिया है कोट दिया है। मुझे क्या करना है, लेफ्ट और राइट में सेम बना लेना है। यहाँ 10 है, इसको भी 10 बना लो, या तो ये हमारा 10 है इसे कोट बना लो, इन दोनों में समान हमें सेम कर लेना है, ठीक है। या तो हम सभी को 10 बना लें या इन दोनों को हम कोट बना लें, ठीक है, और आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखिए हमेशा याद रखना, ये तो मेरे पास प्रश्न है 10, इनको सेम सेम बनाने के लिए मुझे ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे। हमने कहा 10 को बनाना है मुझे कोट, 10 को कोट बनाना है। भैया 10 को कोट कैसे बनाते हैं, भैया 10 को अगर हमें कोट बनाना है तो हम क्या करते हैं, देखो बिल्कुल ध्यान समझना है। ये मेरे पास 10 दिया है और इसको बनाना है कोट, क्या बनाना बच्चों, कोट बनाना है। तो भैया 10 को कोट तो हम बना सकते हैं, लेकिन 90 में से थीटा घटाकर, थीटा का मतलब जो भी यहाँ कोण दिया है वो उसको वहां से हम घटा देंगे, और घटाने के बाद 10 को कोट आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 10 दिया है, 10 दिया ना, मुझे बनाना है इसको कोट बनाना है, क्या बच्चों बनाना है कोट बनाना है ना, तो हम इससे कोट बना सकते हैं। 10 के जगह पर हम कोट आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, 90 में से कोण घटा देंगे, 90 में से बच्चों कोण घटा देंगे। कोण इसमें क्या दिया बच्चों, इसमें कोण दिया है 2a, याद रखना जो भी यहां पर कोण है वही उसमें से घटाना है। तो 10 को कोण बना लिया, लेकिन 90 में से हम कोण घटा लेंगे, कोण कितना है 2a, घटा लिया बराबर में, ये तो कोट पहले से, इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, सेम हो गया ना a माइनस 18 अंश। अब एक चीज देख लेना है आपको, देखना लेफ्ट में भी कोट हो गया और राइट में भी कोट हो गया, सवाल मेरा सॉल्व होने वाला है, बिल्कुल समझ में आ गया ना। हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट में सब त्रिकोणमिति मान सेम हो, समान हो, यहां भी कोट है यहां भी कोट है, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं, तो इनको हम छोड़ देंगे। क्या बचा, यहां बचा 90 माइनस का 2a बराबर, यहां भी कोट हट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस का 18 अंश, ये हमारा 18 अंश बच गया। अब क्या करेंगे, हमें पक्षांतर कर लेना, a एक साइड में कर लेना, a जो होते हैं उन्हें एक साइड में कर लेना है, जो हमारे गिनती वाले पद हैं उन्हें एक साइड में पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 90 था इधर ही रखना है, ये हमारा 18 इधर आ जाएगा, तो हमारा 18 इधर आएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। ये हमारा a हो गया, इधर जब 2a उधर जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, हो गया ना, समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेना है, अब हमारा कितना हो जाएगा 18 और 9 में एक जोड़ देंगे बच्चों, कितना हो जाता है 10 हो जाता है, ये टोटल हमारा 108 अंश आ गया, कितना आ गया बच्चों 108 अंश आ गया। इसको यहाँ से जोड़ देंगे, ये हमारा 3a हो जाएगा, ये 2a और यहाँ हम एक और जोड़ देंगे तो हमारा 3a हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करना, मुझे निकालना है a का मान, तो हम क्या करेंगे 3a बराबर क्या लिख देंगे बच्चों 108 अंश, a बराबर हो जाएगा 108 और बटे में 3। अब 3 से मुझे इसे डिवाइड कर लेना है, a का मान आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, एक बचा हमारा 18 होगा, 3 6 18, तो जो बच्चों a का मान आ गया मेरा कितना आ गया, ये हमारा भैया 36 अंश आ गया, कितना आ गया 36 अंश आ गया, ठीक है। ये तो प्रश्न आपको समझ में आ गया, इसी तरीके से
चाहे कितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं तो आप आसानी से लगा सकते हैं इन्हीं फार्मूले की सहायता से। दूसरा प्रश्न क्या मेरे पास है, देखो ध्यान से समझना है। दूसरा प्रश्न दिया है, यहां लिखा साइन 2a लिखा बच्चों, क्या लिखा साइन 2a लिखा, और इधर आ जाए कोस, क्या ले आ जाए कोस ए माइनस का 18 अंश। बिल्कुल ध्यान समझना, यहां 10 था, 10 और कोट था, लेकिन दूसरा प्रश्न बनता है साइन 2a बराबर कोस ए माइनस 18 अंश। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरीके से लगने वाला है। कैसे लगने वाला है, मैंने कहा यहाँ साइन अंश है, यहाँ साइन लिखा है, उधर कोस लिखा है, हमें क्या करना है, इन दोनों को सेम बना लेना बच्चों। क्या बनाना है, सेम। तो मैं क्या करूंगा, साइन को कोस बनाऊंगा, साइन का को बनाऊंगा कोस, साइन को कोस बनाना इस फार्मूले का यूज होने वाला है। जहां साइन दिया है उसको अगर हमें कोस बनाना है, साइन को क्या बनाना है कोस, तो साइन को कोस तो बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोस बनाएंगे तो 90 में से हम कोण घटा देंगे। तो भैया 90 में से क्या घटा देंगे, कोण। यहां साइन था, साइन लिख लिया, क्या लिख लिया साइन। अब क्या करेंगे, साइन के जगह पर कोस तो लिखेंगे, साइन के जगह पर हम कोस बनाएंगे, क्या कर देंगे कोस। तो साइन दिया वहां हम कोस कर देंगे, और कोस लिख तो सकते हैं लेकिन 90 में से कोण घटाकर। दोस्तों यहां कोण कितना दिया है, कोण यहां दिया है 2a, तो हम क्या करेंगे 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर में कोस ए माइनस 18 अंश बच्चों लिखा है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहां से मिटाल देते हैं बच्चों, यहीं पर हम लगाएंगे, जगह नहीं रह गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कोस दोनों तरफ हो गया, हम क्या करेंगे कोस 90 माइनस 2a बराबर में आ गया था कोस ए माइनस 18 था ही, ठीक है। लेफ्ट राइट में त्रिकोणमिति मान सेम हो गए, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्या लिखना है मुझे, 90 लिख लेना माइनस 2a बराबर ए माइनस 18 अंश लिख देंगे, ठीक है बच्चों, कर दिया। मुझे क्या कर लेना, पक्षांतर कर लेना है, 90 हो गया 18 इधर आ गया प्लस हो गया, बराबर में a लगा देंगे, 2 जाएगा उधर 2a हो जाएगा प्लस में, ये हमारा 108 अंश आ गया बराबर में 3a, ठीक है। इसी तरीके से a का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, साइन में हो चाहे कॉस में हो चाहे टेन में हो, कोस एक्स से किसी में हो, सवाल को इसी तरीके से आपको लगा लेना है, ठीक है। 3 से डिवाइड कर लेंगे, मान तो सेम आएगा, क्यों आ गया भाई, मान हमने बदला नहीं था, मैंने आपको फार्मूले का यूज करना सिखाया है। तो इन सारे फार्मूले का यूज करके आप बोर्ड एग्जाम में कई सारे नंबर पा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही होगा, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो या मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों।